आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। धर्म नगरी चित्रकूट में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्रि के पहले दिन ही देवी भक्त सुबह से ही देवी मंदिरों में पहुंचकर देवी प्रतिमाओं पर जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और लोग 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही पहले दिन देवी भक्त अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में पहले दिन देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था और अपने तौर तरीके से देवी माँ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कौन सा दिन है, किस लिए मंदिर आए हैं? नवरात्रि का पहला दिन है आज, इसलिए मंदिर आए हैं। माता रानी की कृपा ऐसी बनती रहे सभी। क्या महत्ता है इस जगह की? दर्शन करने के लिए आए माता रानी के। वहीं शहर के काली देवी चौरा स्टेट मां कालका देवी मंदिर में भक्त सुबह से ही पहुंचकर देवी मां की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सब कोई भक्तजन माता रानी के दर्शन करने आते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं, कलश रखते हैं और जोत जलाते हैं, श्रद्धा भाव दर्शन करते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना का आज दिन है, नवरात्र आने से बहुत खुशी हुई। सोमवार को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की आराधना शुरू हो गई। पहले दिन मां के प्रथम रूप शैलपुत्री का पूजन प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इस मौके पर यूपी के सभी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस बार नवरात्रि पर्व बेहद खास है। देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो काफी शुभ माना जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।